ड्रेसेस, मेरा सब कुछ चला गया, सब कुछ। अरे क्या जरूरत थी सारी बैग्स वहाँ गरीब घर में मंगवाने की? क्योंकि ना मुझे अपना वो छोटा वाला बालों का क्लचर चाहिए था। अरे क्लच तो यहाँ नहीं ढूंढ सकती थी तुम? क्लिप के लिए तू? सर ये गरीबी का नाटक ना अभी टू मच हो रहा है। पता है लोखंडे जी की टेंशन में मेरे मुंह में ऑक्सीजन कम और वोट का ज्यादा जा रही है। कल तो मुझे जया ने देख भी लिया था। जया ने मुझसे पूछा कि माजी आप ये चोरी चोरी बार बार क्या पीती रहती है? तो क्या कहा तुमने? उस वक्त मैं बहुत टेंशन में थी इसलिए मैंने उसे कहा देखो बाकी बातें बाद में, पहले जाकर मिले चकना और नींबू लेकर आओ। क्या चकना और नींबू? तुमने होश में तो थी आप? होश में थी जय, इसलिए उस वक्त मैंने बात टाल दी। किसी दिन होश में नहीं रही और मेरे मुंह से सच निकल गया तो तुम्हारी जया बेहोश हो जाएगी। एक से एक नमूने भरे हैं हमारे घर में। अरे एक से तुम घर नहीं गई, नौ तो कब के बज गए? किधर किधर से जाऊं मैं? मैंने दरवाजे से जाने की कोशिश की तो उधर पे लोखंडे अंकल और वो सुधाकर दातून करते नजर आए। इतनी रात गए दातून? फिर मैंने सोचा कि रसोई की खिड़की से मैं कूद के चली जाती है तो उस गली में लोखंडे अंकल और सुधाकर फिर मुझे टहलते हुए नजर आए। मैं फिर वापस आ गई। फिर मैं फर्स्ट फ्लोर के पाइप से नीचे गई तो वहाँ पर दो कुत्ते खड़े थे। खबरदार जो तुमने उन्हें कुत्ता कहा। हेरे देवा रे देवा, दो असली कुत्ते खड़े थे जिनको लोखंडे जी और सुधाकर बिस्किट खिला रहे थे ऐसा करके। चल वहाँ भी चैरिटी। मैं ना बोल रही ली है, मैं बोल रही है, अगर ऐसी चला ना तो एक साल क्या, हम लोग ना बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे वो पगड़ी वाले अंकल से। पकड़े तो गए। पकड़े गए? कपड़े तो गए। कपड़े और पकड़े में फर्क नहीं नजर आता तुम्हें? डैड उर्मिला बिल्कुल ठीक कह रही है कि ऐसे तो चल नहीं सकता, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या अंकल? दीपक तिजोरी के तिजोरी में एक आइडिया आ रहा है। तू है ना, तेरी तिजोरी को ताला मार के चाबी जो है समंदर में फेंक दे। आइडिया आया? तुझे आइडियाज यहाँ पे आते हैं, वहाँ लोखंडे जी हमारी वाट लगाते हैं। तू अपना काम करना भाई। अंकल काम तो अब लोखंडे जी करेंगे, मैं लोखंडे जी के काम धंधे की बात कर रहा हूँ। लोखंडे जी बाहर अपने काम धंधे में लगे रहेंगे ताकि वो दिन भर बाहर काम में बिजी रहें और हम लोगों को यहाँ पे चैन की सांस मिल सके। आइडिया बुरा नहीं है डैड। अगर लोखंडे जी काम में बिजी होते हैं तो फिर हम भी मुसीबत से बचे रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, यस। पर कैसा काम? अंकल वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ हाँ। एक मिनट बाबा, आपके लिए चाय लेकर आओ। नहीं बेटी, थोड़ी देर शवासन कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद लाना। ठीक है। हाँ बोलो। हाँ काका, 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 काका उठाओ। काका, काका, काका गेले, पता काका गेले, काका, हे काका, हे काका, हे काका, काका, काका। मूर्खा यार तू, श्वासन कर रहा था मैं, सांस को रोक कर एक से पचास तक गिनती कर रहा था। देखो आयुर्वेद और योगा की कृपा से अगले 40-50 साल तक मैं मरने वाला नहीं हूँ, समझा ना बाबा। आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। हाँ मालूम है मुझे, सुषमा नासिक पहुँच गई उसके प्रशिक्षण केंद्र में, वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, सुबह फोन आया था उसका। हाँ बाबा वो बात तो है, लेकिन एक और अच्छी खबर लाई हूँ, जय ने क्लिनिक खोला है अपने घर के पास। क्लिनिक? लेकिन उसने तो वो मैनेजमेंट का प्रशिक्षण लिया है, फिर क्लिनिक क्यों? खुद के लिए नहीं बाबा, आपके लिए खोला है क्लिनिक।
लेकिन जया दीदी काका तो तंदुरुस्त है, फिर काका के लिए क्लिनिक क्यों? ओहो, जय ने क्लिनिक इसीलिए खोला है ताकि बाबा वहां पे लोगों का इलाज कर सके। देखिए बाबा, हम जब से यहाँ आए हैं कोई ना कोई अपना इलाज करने के लिए आपको ढूंढते हुए यहाँ पे आ ही जाता है, तो फिर जब क्लिनिक पे आपका नाम होगा तो किसी भी मरीज को बिल्कुल वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा आप तक पहुँचने के लिए। ये तो सही है। पर काका, जय भैया और उनके परिवार के पास इतने पैसे आए कहाँ से? जय ने मुझे बताया, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने जय के परिवार का काम देखकर उन्हें यह जगह दी है समाज सेवा करने के लिए। तो फिर जय ने सोचा कि क्यों ना बाबा का क्लिनिक हम वहां पे खोल दे। वाह वाह, कितनी बड़ी सोच है बेटे की, बहुत अच्छा। ए भाई, बाहुबली नहीं बनना है, शकुनी मामा की चाल मैं दिखाता हूं। देख, देखा? नेक्स्ट। वाह बेटा वाह, तू तो ऐसा अंधा बना है कि जितना हमारा कानून भी अंधा नहीं है। वेरी गुड, तू अंधा बनेगा। वाह, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोग हर दिन भेष बदल बदल के लोखंडे जी से अपना इलाज करवाओगे। जो इस हफ्ते लंगड़े बने हैं वो अगले हफ्ते अंधे बनेंगे, जो अंधे वो लूले, ठीक है? एक और बात, ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे तुम लोग पकड़े जाओ, अगर पकड़े गए तो दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। आइए काका, आइए 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 आइए। प्रेमचंद जी, जी आपने ये आयुर्वेद उपचार केंद्र खोल के गरीबों की बड़ी सहायता की है। जी, सहायता तो आपने की है। जी नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो लोगों का दर्द मिटाएंगे ना, उसे तसल्ली तो होगी। आइए क्लिनिक में, आइए आइए। अरे चुप रहो चुप रहो, दिलीप पांडे का घर है, आप भी कहीं भी चले जाइए, हमारी क्लिनिक वो है। आइए आइए पिताजी, आइए आइए। बस बस, बाबा लोखंडे आयुर्वेद उपचार केंद्र। गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है। ये इम्पोर्टेंट है लोखंडे। क्या? ये इम्पोर्टेंट है पिताजी। किसको काटना है बेटा? सजन रे, सजन रे बिन। पीछे पीछे। बाबा सुधाकर। काका मैं नहीं काटूंगा, आप काटो। पकड़। काका की जय हो, मेरे काका की जय हो, जय हो काका। सुधाकर, ये चुनाव प्रचार नहीं है, काका की जय हो, काका की जय हो, क्या कह रहे हो? सुधाकर, काका की जय नहीं, जया। जय तो प्रेमचंद जी का है। मजा किया है। प्रेमचंद जी। जी। अरे हाँ, ये रख दो बेटा अंदर। यहाँ पे गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है। कौन कपड़े धोता है? पता नहीं, मैं तो गांव गया था फसल कटवाने। अरे गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है, हम लोग इलाज के लिए आए हैं। तो ठीक है, आइए फिर। आइए आइए। चलो आइए। आपका नाम ऋतिक है? कमाल का बकवास कर लेती हैं आप। थैंक यू। अरे बाप रे बाप, अरे मरे माई, अरे मरे बाबू, अरे राजा, अरे बाप रे, अरे बाप रे। सरदार जी। हाँ हाँ। क्या हो गया आपको? अरे टांग टूट गई है। तो फिर बैठ जाइए। अरे बड़ी मुश्किल से सीखा, रिदम टूट जाएगा। लोखंडे।
बड़ी मुश्किल से ऐसे चलना सीखा है, रिदम टूट जाएगा। ठीक है बताइए, टांग कैसे टूट गई? अरे जो है घर में हम बैठे थे और जो है हम ठहरे एकदम आलसी आदमी, लेकिन हमारे पर जो है मक्खी बैठ गई और हम बीबी को बोले कि तुम मक्खी हटा दो, वही जो है लिया और बल्ला हमारे पैर पे चला दिया और टूट गई हमारी टांग। हाँ तो इसी आलसी पने की वजह से नाराज रहती होगी, तो ठोक दिया बल्ला। सुधाकर, ये पारिवारिक मतभेद सुलझाने का केंद्र नहीं है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। भाई साहब आप अंदर जाके लेट जाइए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा हाँ हाँ, चप्पल निकाल के जाइए। अच्छा बहुत दर्द हो रहा है। आपको लगता है ये सुधाकर को हाय बोल रहा हूँ? सुधाकर, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इसको कौन नहीं जानता है, वो पान की दुकान पे नान खटाई खाता है, 15-20 रुपए उधार है इसका। काका काका छुट्टा नहीं था इसलिए आज दे दूंगा पक्का। काका बगड़ आई तो बैठो, हिलाओ मत। बल्ला मारने के बावजूद भी घुटने को बाहर से सूजन नहीं दिख रही है, लेकिन अंदूरी जख्म होगी। एक काम करते हैं, शंखपत्री तेल लगाने के बाद इसको ठीक हो जाएगा। अरे तेल लगाइए चाहे भेल लगाइए, लेकिन हमारी टंगिया ठीक कर दीजिए बस। जाओ लेके आओ भेल तेल। लेटे रहो, आता हूं। चगदा पटन नापते गिल्ली सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। अरे पंजाबी लोग ऐसे बोलते हैं, हम तो जबरदस्ती बिहारी घुसेड़ दिए थे। चलो कोई बात नहीं, अंडे अंडे लो खंडे, मजा तो आ गया। टंगिया हमारी तो ठीक आई गई। हाँ फिर से टिफिन, बाबा ने काम करना क्या शुरू किया, 2 से 4 रोटियां खाने लगी। ऐसी कुछ बात नहीं है, ये वही 2 रोटियां है जो दाई माँ ने बनाई थी। तीसरी बार गरम करके लेके जा रही हूँ, बाबा को फुर्सत ही नहीं है कि वो बैठ के खा सके, लेकिन अब की बार ना मैं उन्हें खिलाकर ही वापस आऊंगा। बाय। अब तक जो कुछ भी किया वो ठीक है, लेकिन ये इस तरह से नकली मरीज को लोखंडे जी के पास भेजना, उनको बेवकूफ बनाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। नॉट लाइकिंग इट। अमर तुम भी कमाल करते हो मियां। आप गलत घर में आ गए हो चाचा। अरे वाह, कमाल की बकवास कर लेती है आप। दीपक क्या बनाए तू?
हम हैं सलीम सही सलामत सुलेमान। तुम्हारा कुछ सलामत नहीं लग रहा है सुलेमान। वही तो बात है मियाँ, आज हम हैं लोखंडे जी के एक और गरीब मरीज। आज लोखंडे जी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारी कमर का इलाज करें या टांगों का। अच्छा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भी हो। चलो भैया हम थोड़ा टाइम पास करके आते हैं। खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। ये क्या है? आपकी आंखों को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है? अब क्या बताएं, हमारा बेटा छठवी में फिर से फेल हो गया और उसका रिजल्ट देखकर हमने अपना सर दीवार में दे मारा। तब से कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कोई अच्छा सा टीचर हो तो बता दीजिए जिससे मेरा बेटा छठवी में फिर से फेल ना हो। ठीक है, मेरा बेटा फिर से छठवी में फेल हो गया। मेरा बेटा फिर से छठवी में फेल हो गया। जमीन पर नहीं पड़ते, कभी देखा है आपने हमें गटर में गिरते? ओ बड़े मियाँ, अकेले मत घुमा कीजिए। इस उम्र में तो लोग पान वाले के वहाँ भी चार लोग के साथ जाते, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। देखिए कितने बदतमीज हैं ये। दरअसल बात ये है। एक मिनट, पहले वो पान थूक के आइए। अरे हमारे मियाँ, हम पान खा ही नहीं रहे। तो मुँह में क्या है? अरे पान खाने की आदत तो कब की छूट गई, लेकिन बोलने की आदत अभी तक नहीं छूटी। ठीक है बैठिए। हम तो बैठ जाएंगे, लेकिन हम बैठे तो आपकी कुर्सी नहीं बैठ पाएगी। ठीक है, ऐसे ही बताइए टांग को क्या हो गया। दरअसल हमारा नाम है सलीम सही सलामत सुलेमान, लेकिन हमारा कुछ भी सही सलामत नहीं है। हमारे दोनों पांव जमीन पर नहीं पड़ पाते। अब ऐसा इलाज कर दीजिए कि हम अपनी बेगम साहिबा के साथ फुटबॉल खेल सकें। क्या? हाँ? आपकी टांगे ठीक नहीं है, आपको क्या लगा? अच्छा ये तो खानदानी है। ठीक है, एक काम कीजिए, चप्पल निकाल कर अंदर जाके लेट जाइए। अरे हाँ क्यों नहीं, अच्छा। अरे बाप रे, आइए। दिक्कत हो गई है। चप्पल निकाल के जाइए। ये चप्पल उस आदमी ने भी पहने थे, उसका मतलब कि ये और इंडियंस ना हर चीज में बेस्ट है, बॉलिंग में, बैटिंग में, सेटिंग में। दीपक ने क्या सेटिंग लगाई है ना लोखंडे अंकल को सारा दिन क्लिनिक में बिजी रखने की। सच्ची में अंकल, मेरे को ना वो दीपक ओवर एक्टिंग की दुकान एक आंख नहीं भाता था, लेकिन आज उसने क्या कमाल का काम किया है। कमाल? अरे खानदान रोकिए तो जा पाएंगे। सही पकड़ा आपने। अरे बाप रे। मैंने हाथ भी नहीं लगाया। अरे हाथ की बात नहीं मियां, ये पिन चुभ गई थी। अरे आपके टांग को सूजन तो नहीं दिख रही है। अरे ध्यान से देखिए, अंदरूनी चोट होगी। अच्छा तो इसके ऊपर एक तेल देता हूँ आपको। कौन सा नाम उसका तेल का? क्या उसका नाम? शंख पत्री। अंदरूनी चोट के लिए मियाँ। हाँ शंख पत्री तेल। आप 2 मिनट लेटे हैं, मैं आता हूँ। जरा जल्दी आइएगा, अब बेगम के साथ फुटबॉल खेला है। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बाहर आ जा। ये जो अंदर आदमी है, ये बहुरूपिया बनकर आ रहा है। क्या
अलग अलग मरीज बनकर यहाँ आता है। कैसे? ये क्या चप्पल दे, हर बार एक ही चप्पल पहन के आता है। अच्छा हाँ। मतलब गड़बड़। हाँ बहुत गड़बड़ है। हम एक काम करेंगे, पुलिस को यहाँ बुलाएंगे, फिर पुलिस ही तय करेगी कि ये कौन है और बहरूपिया बनकर क्यों आ रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.